Hello students, today we will study unit number 4 which is electrical machines. So, इस वीडियो में हम समझेंगे जो हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है हाउ इट वर्क सो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और वीडियो के अंत में हम ये भी देखेंगे कि ये जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है इसको इंडक्शन मोटर क्यों कहा जाता है. सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो. तो सबसे पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे. सो बेसिकली दैट थ्री फेज इंडक्शन मोटर हैज टू पार्ट्स. सो फर्स्ट पार्ट इज नोन एज स्टेटर एंड अनदर पार्ट इज नोन एज रोटर. सो सबसे पहले हम स्टेटर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, फिर रोटर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. तो स्टेटर मीन्स व्हाट, दैट इट इज अ स्टेशनरी पार्ट. कोई एक स्टेशनरी पार्ट है और आउटर पार्ट है किसका, मोटर का. और अगर वो मैं बनाना चाहूं तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे करके कुछ ऐसे थ्री डायमेंशन में बनाया मैंने. तो ये कैसा पार्ट है, एक हॉलो सिलेंडर है, यानी अंदर से खाली है, ये हॉलो सिलेंडर है. अगर इसको मैं सामने से देखूं बच्चों तो सामने से क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, ऐसे करके कुछ ऐसे ऐसे दिखेगा सामने से, ठीक है. अच्छा तो ये तो हमारा हो गया क्या, स्टेटर. अब स्टेटर को बच्चों हम क्या देते हैं, स्टेटर को हम देते हैं थ्री फेज एसी सप्लाई. अच्छा अब इसको हम थ्री फेज एसी सप्लाई दे रहे हैं, यानी यहां पे आर वाई बी की कहानी आएगी. और दूसरा कि ये जो स्टेटर है इसमें वाइंडिंग्स होते हैं, तो हम आर वाई बी की वाइंडिंग्स बना देते हैं. वाइंडिंग यानी क्या बच्चों, कॉपर का एक इंसुलेटेड वायर, उसको हम वाउंड कर देते हैं, कॉइल के फॉर्म में बना देते हैं. कैसे देख लेते हैं, जैसे कि यहां पे ये एक वाइंडिंग मैंने बनाई किसकी, आर की. उसके सामने मैंने एक दूसरी वाइंडिंग रख दी आर डैश की, यानी ये कितने पोल हो गए हमारे, दो पोल हो गए, या पोल शू भी आप इसको बोल सकते हो. इसी तरीके से हम Y की वाइंडिंग बनाएंगे, तो ये Y की एक वाइंडिंग हो गई, उसके सामने ये Y डैश की वाइंडिंग बना दी. बाद में हम B फेस की वाइंडिंग बनाएंगे, तो ये B हो गया, उसके सामने ये B डैश हो गया. यानी टोटल कितने पोल शू हो गए, टोटल 6 पोल शू हो गए, ठीक है. अब ये 6 पोल शू है जो कि एक कंडक्टिंग वायर है कॉपर का, उसको हम थ्री फेज एसी करंट दे रहे हैं. जब हम थ्री फेज एसी करंट देंगे तो ये सारी कॉइल में से एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा. और अकॉर्डिंग टू द फैराडेस प्रिंसिपल हमें पता है कि जब भी कोई वायर, कंडक्टिंग वायर में से करंट फ्लो कराएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके वायर के आसपास. तो इसी तरीके से ये जो आर वाई बी जो सारी वाइंडिंग्स है उसके आसपास क्या बनेगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी. और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, तो ये जो अंदर की साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो बनेगी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड. अब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनी, क्योंकि हमने कैसा करंट फ्लो कराया, हमने कराया अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है. तो अगर अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जो भी वो भी अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज करती रहेगी. यानी कि स्टेटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है. अब इसको हम वेव फॉर्म से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे स्टेटर के अंदर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बन रही है जो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समय के साथ बदल रहा है. तो यहां पे मैं बनाऊंगा वो डायग्राम. सो ये समय, टाइम, और ये सपोज हम करंट कंसिडर करते हैं, ठीक है. अच्छा तो पहले आर फेज की बात करेंगे, तो आर फेज में कुछ ऐसा करंट फ्लो होगा, ठीक. अच्छा ये यहां पे ये मैक्सिमम करंट बता रहा है और यहां पे ये मैक्सिमम करंट नेगेटिव डायरेक्शन में बता रहा है. तो ये हमारा क्या हो गया, आर फेस का करंट. तो यहां पे मैं आर फेस लिख दूंगा, आर फेस का करंट है, ठीक. अच्छा अब जो बी फेस होता है, वाई फेस होता है, वो कितना फेस डिफरेंस पे होता है, 120. तो यहां पे 120 के फेस डिफरेंस पे से ऐसे करके कुछ मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक. तो ये हमारा हो गया वाई फेस का करंट जो साइनोसोइडियल है, वेरी कर रहा है. बाद में बी फेस का करंट बनाएंगे तो 240 पे होता है, यानी यहां से कुछ मैं बनाने की कोशिश करूंगा, यहां से
ठीक ऐसे करके ऐसे कुछ। तो ये हमारा हो गया बी फेस का करंट। अच्छा, अब करंट इस तरीके से साइनोसोइडल वेरी कर रहा है, यानी मैग्नीट्यूड उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, यानी करंट की वजह से, यानी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का भी यही डायग्राम आ जाएगा, क्योंकि करंट ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ऐसे चेंज होगी। यानी कि बच्चों जो आर वाइंडिंग है आर आर डैश, उसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी, यानी बी आर यानी मैग्नेटिक फील्ड इन आर वाइंडिंग, यानी बी वाई यानी मैग्नेटिक फील्ड इन वाई वाइंडिंग, और डी बी यानी मैग्नेटिक फील्ड इन बी फेस वाइंडिंग। ठीक है, अगर हम डायग्राम को अच्छे से स्टडी करें तो यहां पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले बी फेस में या बी वाइंडिंग में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी सबसे पहले आर फेज में, ये बी आर है तो आर फेज में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगी यहां पे सबसे पहले। बाद में क्या होगा, ये आर फेज की मैग्नेटिक फील्ड घटते 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 जीरो हो जाएगी, और जब आर फेज की मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी तब डायग्राम पे से हम देख सकते हैं कि वाई फेज में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी, यानी आर में जीरो हो गई अब वाई में मैक्सिमम हो गई। अब वाई में जो फील्ड थी मैक्सिमम फील्ड, वो घटते 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 जीरो हो जाएगी, और जब वाई फेज में फील्ड जीरो हो जाएगी तो यहां डायग्राम पे से हम बोल सकते हैं कि बी फेज में यानी ये फेज में अब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। बाद में बी फेज में घटते घटते ये जीरो हो जाएगी, आर फेज में मैक्सिमम हो जाएगी, फिर वाई फेज में, फिर बी फेज में आर वाई बी। यानी कि बच्चों इस तरीके से जो भी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट कर रही है किसके अंदर, रोटर के अंदर। यानी रोटर के अंदर कैसे फील्ड बन रही है, तो रोटर के अंदर मैं बोल दूंगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और वो कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैं बोलूंगा कि स्टेटर के अंदर रोटेटिंग एंड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। इतने तक आपको शायद समझ में आ गया होगा, पहले आर में, यहाँ पे पहले आर में मैक्सिमम फील्ड घटते घटते जीरो, वाई में मैक्सिमम फील्ड घटते घटते जीरो, बी में मैक्सिमम फील्ड घटते घटते जीरो, फिर आर में वापस, और इस तरह से रोटेटिंग लेकिन कैसी, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। ठीक, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब हम जाएंगे रोटर की ओर। अब रोटर जो है बच्चों उसमें दो टाइप आते हैं, एक टाइप को हम बोलते हैं स्क्विरल केज रोटर, और दूसरा जो आता है उसको हम बोलते हैं स्लिप रिंग रोटर। तो ये दोनों के बारे में हम सेपरेट वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि क्या है स्क्विरल केज मोटर, क्या है स्लिप रिंग मोटर। तो फिलहाल के लिए वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए हम ये स्क्विरल केज रोटर का एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, तो रोटर जो होता है उसमें क्या होता है बच्चों कि ऐसे दो प्लेट्स होती है, इस तरीके से दो प्लेट, एक प्लेट यहां बना दी, एक प्लेट यहां बना दी। ठीक है, और ये दो प्लेट के बीच में हम ले लेंगे कंडक्टिंग बार्स जो मेटल के बने होते हैं, और दोनों एंड रिंग्स, ये दोनों एंड रिंग्स है, दोनों एंड रिंग्स के बीच में ये कंडक्टिंग बार्स को शॉर्ट किया जाता है। शॉर्ट यानी शॉर्ट सर्किट, यानी क्या कि उसको फिक्स किया जाता है, उसको चिपका दिया जाता है, और यहां पे होता है एक मेन शाफ्ट, ये एंड रिंग्स, ये कंडक्टिंग बार्स और ये मेन शाफ्ट। अब ये पूरा रोटर जो है वो स्क्वायरल केज रोटर है, उसको उठा के हम इसके अंदर रखने वाले हैं, स्टेटर के अंदर रखने वाले हैं। तो अगर इसको स्टेटर के अंदर रखे तो सामने से अगर इसको देखे तो क्या दिखेगा, ये एक प्लेट दिखेगी। तो ऐसा करके मैं बना दूं, ये एक प्लेट बन गई, ये मेन शाफ्ट सामने से क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा, और बाद में ये जो हमने लगाए हैं कंडक्टिंग बार्स वो सामने से देखने पे वैसे कुछ दिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पोर्शन जो हो गया पूरा क्या हो गया, रोटर। और ये रोटर को हम कहां रख रहे हैं, स्टेटर के अंदर, और स्टेटर के अंदर कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब हमें ये पता है, और ये क्या है, कंडक्टर है, तो हमें ये भी पता है जब कंडक्टर को हम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, तो उसके अंदर करंट इंड्यूस्ड होता है। वो कैसे समझे, हम समझेंगे कि हमें पता है कि ट्रांसफॉर्मर में एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग को हम एसी सप्लाई देते हैं, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट यानी वेरिएबल करंट। वेरिएबल करंट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो वेरिएबल होता है, और ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करता है, और ईएमएफ इंड्यूस करने के कारण सेकेंडरी कॉइल में करंट, सेकेंडरी करंट इंड्यूस्ड होता है। तो इसी तरीके से ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ये कंडक्टिंग रोटर के अंदर करंट इंड्यूस्ड कर रही है, और अगर रोटर के अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज प्रिंसिपल करंट इंड्यूस हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड बनी।
तो इसके आसपास भी एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। और रोटर के अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड उसके कॉस का अपोज करेगी। अच्छा, कॉस का अपोज करेगी यानी क्या, इसके अंदर किसने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, तो ये वाइंडिंग्स ने बनाई, यानी ये कॉस हो गया, तो ये वाइंडिंग्स की मैग्नेटिक फील्ड को ये अपोज करेगा। वाइंडिंग ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई उसको ये रोटर अपोज करेगा, उस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। कैसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि पहले मैं बोलू आर फेस की बात करूं, तो ये R हो गया, ये नीचे हमारा R डैश हो गया, बीच में क्या है, रोटर है। सपोज R में से करंट फ्लो हो रहा है, यानी वो तो मैग्नेट बन गया। सपोज ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो अब ये रोटर क्या करेगा, ये पोल्स का अपोज करेगा, तो क्या करेगा, यहां मैग्नेट बन जाएगा, S बनाएगा, यहां पे N बनाएगा। अपोज किया नॉर्थ, तूने बनाया तो मैं S बना के अपोज करूंगा, ठीक है। उसी तरीके से R में अब घटते घटते मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, तो बाद में Y में मैक्सिमम हुआ, तो ये Y कुछ ऐसे लगाया हुआ है, Y ऐसे कुछ लगाया हुआ है, ये Y डैश। अब रोटर क्या करेगा, ये N बन गया, ये S बन गया, यहां पे मैक्सिमम है, यहां पे जीरो हो गया, तो अब यहां पे N बना है, तो रोटर बोलेगा मैं S बना के तुझे अपोज करूंगा, यहां पे N बना के अपोज करूंगा, यानी कि बच्चों रोटर जो है वो घूम गया, ठीक है। बाद में N में कैसा, Y में कैसा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, जीरो हो गया, B में मैक्सिमम हो गया, तो ये हमने बना दिया B और उसके सामने बना दिया B डैश और ये बना दिया रोटर। अब यहां पे तो Y में तो अब मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, B में मैक्सिमम हो गया। सपोज यहां पे N पोल बना, यहां पे S पोल बना, तो ये रोटर क्या करेगा, अपोज करेगा ये कॉस का, जिसने इसको बना, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, तो यहां पे S बना देगा, यहां पे N बना देगा, यानी कि बच्चों अब ये रोटर वापस घूम के ये पोजिशन पे आ जाएगा। बाद में बी में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, आर में मैक्सिमम हो जाएगा, तो रोटर वापस इसका अपोज करेगा और ऐसे करके घूमेगा और यहां आएगा और साइकिल रिपीट होती जाएगी, यानी रोटर इस तरीके से स्टेटर के अंदर घूमता रहेगा। और ये जो प्रोसेस है बच्चों, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होगी, यानी बहुत ही फास्ट प्रोसेस ये होने वाली है। तो ये था वर्किंग प्रिंसिपल थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, कि किस तरीके से रोटर स्टेटर के अंदर रोटेट होती है ड्यू टू द रोटेटिंग एंड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब यहां पे हमने दो लॉ का यूज किया, एक तो फराडेस प्रिंसिपल का यूज किया, किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज किया। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज किया, क्योंकि यहां से करंट इंड्यूस यहां पे हुआ, इंडक्शन हुआ करंट का, इसलिए बच्चों हम इसको क्या बोलते हैं, इंडक्शन मोटर बोलते हैं। दूसरा हमने कौन सा लॉ का यूज किया, हमने लेंस लॉ का यूज किया। कहां किया, लेंस लॉ यही बताता है कि जो कॉज होता है उसको अपोज करते हैं, जो कॉज होता है ये कॉज है, तो उसको अपोज किया इसने, तो लेंस लॉ भी हमने इसमें लगा दिया। अब जो बच्चों ये जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है वो होती है सेल्फ स्टार्टेड, यानी अपने आप से ऑटोमेटिक ये शुरू हो जाती है जब हम थ्री फेज एसी सप्लाई देते हैं। इसको धक्का मारने मार के चालू करने की जरूरत नहीं होती, या फिर कोई एक्स्ट्रा अरेंजमेंट स्टार्ट करने के लिए इसको जरूर नहीं होती। और बच्चों जो इसकी जो सिंक्रोनस स्पीड है, जो हम बोलते थे ns इज इक्वल टू 120 f/p, ये सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी कम स्पीड पे ये रोटेट होता है, और इसकी स्पीड डिपेंड करती है बच्चों नंबर ऑफ पोल पे, ये हमने सब देखे 6 नंबर ऑफ पोल्स। तो ये सारी बातें थी थ्री फेज इंडक्शन मोटर की। नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्विरल गेज मोटर और स्लिप रिंग मोटर के बारे में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।